नमस्कार मुकेश जी, नमस्ते। शताक्षी न्यूज में आपका स्वागत है। थैंक यू। लॉकडाउन में कैसी चल रही है जिंदगी? हाँ, लॉकडाउन में यह है कि जो हमारा मतलब जो शूटिंग है वो तो सब बंद है, काम धंधा मतलब बंद है, लेकिन जो मैं सोशल वर्क कर रहा हूँ वो चालू है। और खुशकिस्मती है हमारी सोसाइटी में कोई केस नहीं है, तो अपना जो प्रिकॉशंस जो लेने हैं वो सब प्रिकॉशंस लेके गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसको फॉलो करके हम काम करते हैं। दो बार विक्रमगढ़ में जाना भी हुआ, तीन बार एक्चुअली हुआ। पहले सामान देने के लिए भी गया था, उसके बाद मैं एक बार दूसरा सामान देने के लिए गया, फिर सामान वापस लाने के लिए गया, ऐसे तीन बार विक्रमगढ़ में जाना हुआ। बाकी यहाँ पे विले पार्ला में हमारा रिटेल आउटलेट है, वहाँ पे रोज जाना होता है। गोरेगांव में ऑफिस है, वहाँ जाना होता है। अच्छा, वो सोशल वर्क पे आप हम आते हैं बाद में। पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि बतौर एक्टर आपने काफी काम किया, एक्टिंग से पहले जो आपका फैमिली बैकग्राउंड रहा, कैसे इस फील्ड में आप आए, इसके बारे में थोड़ा बताइए। ये बहुत लंबी कहानी है। 81 में मेरा प्रिंटिंग प्रेस चल रहा था, तभी मेरे कॉलेज के दोस्त रोमी बहल, गुलशन बहल के लड़के हैं, वो अपनी एक फिल्म स्टार्ट करने वाले थे। तो मैंने उनको इच्छा बताई थी कि अगर तू फिल्म बनाता है तो मैं डायरेक्शन में तेरे साथ में ज्वाइन करूँगा करके। तो उन्होंने उनकी जो फिल्म बनाई तो मुझे साथ में रखा था। तो मैंने वन लाइन स्टोरी कंसेप्ट से लेके स्टोरी डेवलपमेंट, स्क्रिप्ट राइटिंग, फिर बाद में शूटिंग का शेड्यूल निकालना, लोकेशन शॉटिंग करना, सब करके पूरा डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन उसके साथ में सीखा, एडिटिंग भी सीखा। कभी कभी डिस्ट्रीब्यूटर आ जाते थे तो मैं जाके फिर एडिटिंग करके ज्वाइन करके उनको ट्रायल मतलब जो दिखाना रहता था वो हम लोग करते थे। बाद में ऐसा हुआ कि उनकी फिल्म थोड़ी डिले हो रही थी और मेरी शादी होने का टाइम आ रहा था, तो मैंने अपने दोस्त से बात किया तो उसने बोला तू जॉब ले ले। तो मैंने जॉब ले लिया, फिर शादी की, फिर मैं 14 साल जॉब में रहा। उसके बाद अपना प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टार्ट करके मैंने बिजनेस किया। मेरी तीन लड़कियां हैं, वो ग्रो हो गई, और जब उन्होंने बोला कि आपके बिजनेस में हम नहीं ज्वाइन करेंगे तो फिर मैंने सोचा इतने किसके लिए बिजनेस करना है। एक टाइम आ गया था कि बैंक की लोन बढ़ाने की बात थी, अगर बिजनेस ग्रो करना है तो मैंने डिसीजन लिया कि लोन्स लेके ज़्यादा बढ़ा के बिजनेस ग्रो नहीं करना है, बिजनेस वाइंड अप करेंगे और ऐसा कुछ काम करेंगे जिसमें इन्वेस्टमेंट ना हो। तो वो जो 81 में मैंने जो फिल्म इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस लिया था वो काम आया। तो 2007 में मैं फिर से फिल्म इंडस्ट्री में आया और इस टाइम पे मैं डायरेक्शन में ना जाते हुए एक्टिंग में गया। अच्छा, तो अगर एक छोटा सा सवाल ये है कि आपकी कौन सी कंपनी थी या ऐसा क्या काम था कि आपके बच्चों ने उसमें इंटरेस्ट नहीं लिया? मैंने एक, जैसे मैं होटल इंडस्ट्री में जॉब करता था तो मैंने बुफे वार्मर्स गैस पे चलने वाले बनाए थे। ट्रेडिशनली जो होटल में खाना गर्म होता है वो एक केमिकल फ्यूल लगा के गर्म किया जाता है, तो उसके नीचे लगाने के मैंने गैस सिलेंडर डेवलप किए थे, गैस सिलेंडर विथ अटैच बर्नर। उसकी डिजाइनिंग का मैंने अपने नाम से पैटेंट भी लिया हुआ है। अच्छा। लेकिन अपने इंडियन जो बोलते हैं ना, वो ऐसा था कि ईज ऑफ बिजनेस नहीं थी, तो मुझे लाइसेंस लेते लेते 10-11 साल लग गए गैस सिलेंडर मैन्युफैक्चरिंग के। और जब मैंने धंधा शुरू किया तो गैस के भाव 300 रुपये के आसपास थे और पेट्रोल का भाव 36 रुपीस के आसपास था। और जब तक मुझे लाइसेंस मिला गैस का भाव 1100 रुपये हो गया था और पेट्रोल का भाव 80 रुपया हो गया था। अच्छा। तो इकोनॉमिक वायबिलिटी कम हो गई थी। और मैं वाटर प्यूरीफायर भी बनाता था, एक्वागार्ड जैसे, स्टील की चैम्बर के जैसे इसके आते हैं, अल्फा के आते हैं, वैसे मैं बनाता था। लेकिन वो वाटर प्यूरीफायर, वो गैस सिलेंडर, ये सब प्राइवेट लिमिटेड में बिजनेस स्टाफ, वो मतलब 24 घंटे की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती थी और स्टाफ को मैनेज करना, वन मैन शो होता था। बैंकिंग में भी संभालो, लाइसेंस भी संभालो गवर्नमेंट के साथ में, प्रोडक्शन भी संभालो, मार्केटिंग भी संभालो, रिसर्च करो, न्यू डिजाइन भी बनाओ, ये सब मतलब
तो स्ट्रेसफुल था और लड़कियों ने बोला कि हम इसमें नहीं रहेंगे, तो फिर मैंने सोचा कि और लोन्स लेके बिजनेस नहीं बढ़ाना है, वाइंड अप करेंगे। तो मैंने फिर 2007 में वाइंड अप किया और उसी टाइम पे मुझे ऑडिशन के लिए वो मिला और मैंने जाके ऑडिशन दिया तो सभी ने बहुत तारीफ की, तो बोले नहीं नहीं आपने तो करना ही है ये काम। तो फिर मैं बोला चलो ठीक है यही सही। मैंने दूसरा ऑप्शन सोचा था, मैं ट्यूशंस लूंगा करके जहाँ इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, ऐसा कुछ काम करेंगे तो या तो देंगे बच्चों के और या तो फिर अगर फिल्म लाइन में ऐसे कुछ काम मिलता तो देखेंगे। तो पहले ही ऑडिशन में इतना काम मिलने लगा तो फिर मैं करते रहा। मैंने जहां तक मुझे आपको देख के याद आ रहा है कि आपको मैंने कई जगह देखा है और मैंने नोटिस किया है कि आपने हर जगह पॉजिटिव ही काम किया है, मतलब कैरेक्टर आपके सारे पॉजिटिव रहे हैं। पॉजिटिव ज्यादा किया है, दो चार जगह पे नेगेटिव किया है एक जगह पे तो पिक पॉकेट का भी किया है वेब सीरीज में लेकिन हाँ ज्यादा करके पॉजिटिव, क्योंकि मेरा फेस उनका कास्टिंग वालों का कहना है कि पॉजिटिव है। फिर कुछ थोड़े रिस्क लेने के लिए इच्छुक रहते हैं कास्टिंग डायरेक्टर, वो ऐसा बोलते हैं कि पॉजिटिव चेहरा वाला आदमी अगर नेगेटिव काम करके स्टार्टिंग में ऑडियंस को लगता है कि ये पॉजिटिव आदमी है और लास्ट में जब निकलता है कि ये नेगेटिव है और वो सडन चेंज होता है तो वो बहुत अच्छा ट्विस्ट मिलता है। तो दो चार लोगों ने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं मेरे साथ में थोड़ा नेगेटिव काम देके, बाकी हमेशा मतलब 99% पॉजिटिव काम मिला है मुझे। तो ये एक्टिंग करते करते केशव सृष्टि से कैसे जुड़े? केशव सृष्टि से तो मैं बचपन से जुड़ा हुआ था, मतलब मेरे पिताजी भी आरएसएस के थे। 1948 में जब आरएसएस में बंदी लगी थी तभी मेरे पिताजी सिद्धपुर गांव में एक ही थे जो जेल में गए थे। और जब ही यहाँ पे मैं तो मतलब 67 से मैं आरएसएस में था स्वयंसेवक, मैंने आरएसएस का प्रथम वर्ष शिक्षा भी किया है और इमरजेंसी में मैं जेल में था आरएसएस का मेंबर की वजह से। दो बार जेल में था इमरजेंसी में मैं, एक बार मुझे रात को सुबह 4 बजे वॉल पेंटिंग करते हुए पुलिस ने रंगे हाथ पकड़ लिया था और दूसरी बार मैंने कॉलेज में सत्याग्रह किया था, मैं छूट के आया 10 दिन में फिर मैंने सत्याग्रह किया, फिर वापस गया मैं। और डिफेंस ऑफ इंडिया रूल में जितने भी मुंबई में अरेस्ट हुए थे उन सभी को मेरी जजमेंट की कॉपी के ऊपर छोड़ा गया था, क्योंकि सबसे पहला केस मेरा, मैं वॉल पेंटिंग में पकड़ा गया था तो मैं अकेला था, तो उनको ये सहूलियत रहती थी केस का हियरिंग मेरा उन्होंने पहले लिया। और मेरे वकील ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो जजमेंट मिली थी उसकी तो उसके बेस पे मुझे छोड़ दिया और बाद में जजमेंट में सभी डिफेंस ऑफ इंडिया रूल के जो थे अरेस्टेड उन सबको छोड़ा गया। तो मतलब आप आरएसएस से काफी समय से जुड़े रहे? काफी समय से जुड़ा था और सब आज जो केशव सृष्टि के जो करता हरता है वो सब बचपन से मैं उनके साथ काम करता था, उनकी साइकिल पे डबल सीट हम लोग घूम के काम किए। तो जब उन्होंने यहाँ ग्राम विकास का काम शुरू किया तो एक बार मुझे बुलाया, बोले कि क्या करते हो कैसे चल रहा है। मैं बोला बस शूटिंग तो अभी 6-7 दिन ही रहता है, बाकी के टाइम फ्री रहता हूँ, लेकिन कोई कमिटमेंट कि इस दिन को इतना बजे मैं अवेलेबल रहूँगा ऐसा करना मुश्किल होता है क्योंकि शूटिंग कभी भी आ सकती है। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारा इतना अनुभव है बिजनेस का भी तो ग्रामोद्योग जो करना है। हमने केशव सृष्टि से 75 गाँव अडोप्ट किए हुए हैं और सभी गाँव में एक एक उद्योग चालू करने की हमारी कोशिश रहेगी, तो उसकी थोड़ी जवाबदारी लेके तुम काम करो और जब भी टाइम मिले तभी काम करो, शूटिंग होगा तो बेशक शूटिंग में चले जाना लेकिन शूटिंग नहीं रहेगा तो यहाँ पे थोड़ा समय देके काम करो। ऐसा जब उनका कहना था तो मैंने विलिंगली एक्सेप्ट किया कि अगर कुछ समाज में कुछ पॉजिटिव चेंज हम अगर ला सकते हैं, अगर 10 परिवार में भी अपनी वजह से थोड़ी खुशी आ सकती है तो ये हमको करना चाहिए। केशव सृष्टि का एक्चुअली मकसद क्या क्या है? केशव सृष्टि ये बहुत बड़ी अमरेला संस्था है, वहाँ पे कई प्रकल्प चलते हैं। केशव आपको अगर मतलब ध्यान में रहेगा तो संघ की स्थापना जो की आरएसएस की स्थापना डॉक्टर केशव बड़ीराम हेडगेवार ने की, तो वो जो आरएसएस के जो संस्थापक है डॉक्टर केशव उनके नाम से केशव सृष्टि बनाया हुआ है।
संघ के संस्कारों से और संघ की फिलोसॉफी से इंस्पिरेशन लेके ये केशव सृष्टि बनाया है। उत्तन भाईंदर में 200 एकड़ की जगह है, ये एक डॉक्टर अजिंक्य ने आरएसएस को डोनेट की, तो वहाँ पे आरएसएस ने ये प्रकल्प खड़ा किया केशव सृष्टि। वहाँ पे गौशाला चलती है, वहाँ पे वनौषधि चलती है, विविध जो हर्बल ये आयुर्वेदिक के जो वनस्पति रहती है उसका भी वहाँ पे प्लांटेशन किया गया है। वहाँ पे रेसिडेंट स्कूल चलती है, जो विदेश में हमारे हिंदू लोग आर्थिक उत्पन्न के लिए जाके बसे हैं और उनके बच्चों को हिंदू संस्कार देना चाहते हैं लेकिन वहाँ पे वो मुश्किल हो जाता है, तो उनके बच्चों के लिए यहाँ पे हमने रेसिडेंट स्कूल चालू किया है, जहाँ पे अधिकतर विदेशों से और कुछ अपने इंडिया से भी है वो वहाँ पे रहते हैं, और वहीं पे स्कूल में राम रत्न विद्यालय करके हम चलाते हैं। बहुत ही अच्छे संस्कार वहाँ पे हिंदू संस्कार के साथ में वैल्यू एजुकेशन के साथ में पढ़ाई होती है। फिर वहाँ पे वृद्धाश्रम भी चलता है, वहाँ पे एक प्रकल्प है रामभाव महाल की प्रबोधिनी जो नेतृत्व ट्रेनिंग लीडरशिप ट्रेनिंग चलाता है, और जितने भी अपने सभी पॉलिटिकल पार्टी के जो आमदार वगैरह रहते हैं, बीजेपी तो खास करके, लेकिन बीजेपी छोड़ के भी अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी के लोग वहाँ पे आके लीडरशिप ट्रेनिंग लेते हैं। पार्लियामेंट में क्या रूल्स रेगुलेशन कैसे बिहेव होना चाहिए, असेंबली में क्या रूल्स रेगुलेशन कैसे बिहेव, ये सब की ट्रेनिंग वहाँ पे दी जाती है। समाज में काम कैसे करना चाहिए, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या क्या प्रोटोकॉल होने चाहिए, ये सब की ट्रेनिंग भी वहाँ पे दी जाती है। ऐसे लीडरशिप ट्रेनिंग का एक सेंटर है, काफ़ी वहाँ पे अलग अलग सौर ऊर्जा का प्रकल्प है, कृषि की एक विद्यालय है वहाँ पे, और ये ग्राम विकास का जो काम है वो उसी से शुरू हुआ। हमारे केशव सृष्टि में जो कृषि विद्यालय है वहाँ से पालघर के मतलब वाड़ा जवाहर विक्रमगढ़ के कई बच्चे वहाँ से एजुकेशन लेके स्नातक होके निकले, तो 7-8 साल के बाद में ये विचार आया कि जो बच्चे यहाँ से स्नातक होके निकले वो कैसे कृषि करते जाके देखे। तो जब हमने एक दिवाली में विजिट किया उनको, दिवाली की शुभकामना देंगे और देखेंगे कि वो कैसे काम कर रहे, तो पता चला कि बहुत सारे बच्चे कृषि में काम नहीं करते, वो माइग्रेट होके मुंबई में आते हैं, और उसका मेन कारण ये है कि पालघर जो एरिया है हाईवे से ईस्ट की तरफ का, मतलब जिसको डोंगरी पालघर कहते हैं, रेलवे लाइन तरफ नहीं, हाईवे से ईस्ट बाजू का, वहाँ पे पानी भरपूर है लेकिन पानी टिकता नहीं है क्योंकि जमीन में क्रैक रॉक्स है, तो वहाँ के खेती जो किसान है उनको एक ही समय की खेती मिलती है जो बारिश में होती है, और बाद में जो खेती रहती है ऐसे किसान को साल में 3 पाक और फल, ऐसे 4 जगह से इनकम आनी चाहिए लेकिन उनको एक ही पाक मिलता था, तो क्यों नहीं आता है, तो पानी नहीं रहता है। और इसके लिए फिर हमने वहाँ पे काम शुरू किया, हर गांव में 75 गांव लिए, हर गांव में पीने का पानी पहुँचे, वहाँ पे खेती करने के लिए पानी पहुँचे, हम लोग सोलर पंप लगा के पाइपलाइन लगा के खेती में पानी पहुँचाते हैं, फिर गवर्नमेंट के स्कीम का लाभ लेके हम लोग इरीगेशन वहाँ पे करवाते हैं, और वहाँ पे अभी हमने बच्चों को संस्कार देने के लिए माधव संस्कार केंद्र चालू किया है, युवाओं को एकत्रित करने के लिए और गलत लाइन में ना जाए, उनकी जो ऊर्जा है उनको सही दिशा मिले, इसके लिए हमने वहाँ पे विवेकानंद शक्ति केंद्र चालू किए हैं, हम वहाँ पे अल्टरनेट एनर्जी का काम करते हैं, काफी वहाँ पे हर किस्म का काम, आरोग्य में काम होता है। कोरोना को लेकर के आप लोगों ने एक काढ़ा तैयार किया था, वो कैसे किया? वो तो मतलब जैसे उसकी जो रेसिपी तो स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी थी, तो सभी लोगों को ये सारे जो इंग्रेडिएंट्स है वो मिलना थोड़ा मुश्किल होता है, खास करके हमारे ध्यान में ये आया कि हम हिंदुओं को तो घर में तुलसी रखना ऐसे बताया जाता है, लेकिन आज मुंबई जैसे शहर में बहुत से हिंदुओं के घर में तुलसी का पौधा नहीं है, प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज है, और तुलसी को जितनी धूप वगैरह क्लाइमेट मिलनी चाहिए वो लोगों को घर में नहीं मिलती है, बहुतों के घर में तुलसी का पौधा नहीं है, और ये आयुष काढ़ा में तुलसी जाना चाहिए, तुलसी होना चाहिए। तो ये सब डिफिकल्टीज देख के फिर हमने ये तय किया कि क्यों ना केशव सृष्टि ये बनाए, और उसको मतलब नो प्रॉफिट के जैसे ही कॉस्ट टू कॉस्ट, लेकिन थोड़ा जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो कॉस्ट है वो ऐड करके हम उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। काफ़ी मतलब अभी तक हमने मतलब
करीबन 5 लाख से ज्यादा ये पहुंचाया है। 50 रुपये का एक डब्बा रहता है जो एक आदमी को रोज लेंगे तो 15 दिन तक चलता है। तो उस काढ़े का क्या रिस्पांस मिला मार्केट से? बहुत अच्छा रिस्पांस है। बहुत जगह से डिमांड आते हैं। इसमें हमने एक और किया कि जब जहाँ पे पहुँचाना है तो हमने ऐसे लोगों को चुना है कि जो मोटरसाइकिल पे जाके ये आयुष काढ़ा लोगों के घर पे पहुँचाते हैं। हमारी कोशिश रहती है कि वो 10 डब्बा एक साथ में ले ले तो 500 रुपये का हो जाता है, तो उसमें से हम 60-70 रुपया वो जो लड़का जो मोटरसाइकिल पे जाके पहुँचाता है उसको भी देते हैं, ताकि उसकी भी रोजी रोटी चले और हमारा भी काम हो जाए। तो इस तरह से इसको बहुत अच्छा, मतलब मुंबई में थाना वसई विरार, थाना डोंबिवली, घाटकोपर, मुलुंड, ये सब के साथ में मुंबई में मतलब चर्चगेट से लेके बोरीवली तक बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बॉम्बे के बाहर हमने केशव सृष्टि की तरफ से अभी खाली नासिक वगैरह में शुरू किया है, पूना नासिक में भेजना शुरू किया है, लेकिन अभी वहाँ पे स्प्रेड होने के लिए हमको थोड़ा टाइम लगेगा। क्या है कि रिस्पांस मतलब डिमांड तो आती है, लेकिन डिमांड के साथ में हमको अरेंजमेंट करनी पड़ती है कि कोई एक स्टॉकिस्ट जैसा हो जो बल्क में लेके अपने पास में रखे और फिर वहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन करे। ये सब अरेंजमेंट करने में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा सब जगह पे। और ये आपकी इस बार राखी बड़ी चर्चा में है, वो क्या? हाँ, वो ऐसे है कि जैसे हमने ये ग्राम उद्योग चालू किया, मतलब ग्राम विकास का चालू किया, केशव सृष्टि ग्राम विकास योजना 75 गांव लेके, तो इसमें मतलब एक यूनिक बात ऐसी है कि ग्राम विकास की कल्पना और प्रयास तो हिंदुस्तान में 400 साल से चलते आ रहे हैं, उससे भी ज्यादा चलते आ रहे हैं। वो विश्व सरैया का जो बीच में नाम बहुत फेमस हो गया था, उन्होंने भी ग्राम विकास के बहुत प्रयत्न किए हुए है, और बहुतों ने, गांधी जी ने किए है, विनोबा भावे ने किए, सभी ने किए है। लेकिन हमने इस टाइम पे क्या किया है कि हर गांव के साथ में एक शहर का युवा जोड़ना, और शहर के युवा ने उस गांव को अपना गांव समझ के महीने में एक दो बार उस गांव में विजिट करना, गांव के लोगों के साथ में चाय पे चर्चा करना, और गांव की समस्या को समझ के उन्हीं से पूछना कि उसका उत्तर क्या है, और गांव के लोगों को ही मालूम रहता है कि अपने गांव में हमने क्या करना चाहिए। तो जब वो गांव के लोग बताते हैं कि हमारी ये समस्या है और हमको लगता है कि ये समस्या का हल करने के लिए हमको ये करना चाहिए, तो शहर का युवा अपने रिसोर्सेस से, अपनी सूझबूझ से और अपने एक्सपीरियंस से उनको उसमें हेल्प करता है। कुछ जगह पे चाहिए तो स्पॉन्सर ला के देता है, कुछ जगह पे चाहिए तो वो उनको गाइडेंस देता है और वहाँ पे विकास करने की ये करता है। तो ऐसे जो शहर के युवा हमने जोड़े हैं, तो उसमें एक टेटवाली गांव में हमारे एक युवा थे गौरव श्रीवास्तव। तो ये गौरव श्रीवास्तव ने टेटवाली गांव में जब देखा कि यहाँ के लोगों को हाथों को काम नहीं है करके, फिर क्या होता है कि बारिश के बाद में ये लोग मुंबई आते हैं और वो दिहाड़ी मजदूर का काम करते हैं, वो हस्बैंड वाइफ दोनों आ जाते हैं, उसकी वजह से बच्चों की स्कूल छूट जाती है और फिर फ्यूचर जनरेशन भी अनएजुकेटेड रह जाता है, फिर वही साइकिल में वो घूमता है, वीसीएस सर्कल में। तो इन्होंने सोचा कि इनको यहीं पे माइग्रेट करने की जरूरत ना पड़े, यहीं पे काम मिलना चाहिए। तो इन्होंने थोड़ा सा रिसर्च करके ये देखा कि यहाँ पे बाम्बू उगते हैं, बाम्बू में काम हो सकता है। तो हमने बाम्बू के हैंडीक्राफ्ट बनाने वाले टीचर को बुला के उनको फीस वगैरह दे के टेटवाली के गांव की महिलाओं को हमने बाम्बू हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग दी। तो करीबन 25-30 महिलाओं ने ट्रेनिंग ली। इनिशियल उनका थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है, लेकिन बहुत समझाने के बाद में सभी लोग तैयार हो गए और 30 महिलाओं ने बाम्बू की हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग ली। और जैसे वो बनाने का शुरू किया तो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी में ही बहुत बिकने लग गया। तो इसका सक्सेस देखने के बाद में हमने इसको एक्सपांड करने का सोचा और विक्रमगढ़ के 10 गांव में हमने 300 महिलाओं को ये बाम्बू हैंडीक्राफ्ट की ट्रेनिंग दी। फिर से सब टीचर्स को बुला के उनको गांव में, वो हर एक टीचर उस गांव में रहता था, उनके साथ में रहता था एक महीना, और उनको सब सिखाया, उनको सब टूल्स दिए गए, और आज विक्रमगढ़ के 10 गांव में 300 से ज़्यादा महिलाएँ बाम्बू के हैंडीक्राफ्ट के 100 से ज़्यादा अलग अलग प्रोडक्ट बनाती हैं।
उसमें जब रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा था तो हमने बैठ के सोचा कि इस समय हमको बांबू की राखी बनाएंगे। फिर उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करके थोड़ी ट्रेनिंग देके सभी को तैयार किया गया और फिर मुंबई से जो रॉ मटेरियल था वो सब बल्क में परचेज करके उनको पहुंचाया गया और सभी महिलाओं ने 300 महिलाओं ने और हर महिला ने अपनी 5-6 डिजाइन बनाई है। ऐसे मतलब 1500 से ज्यादा डिजाइन की बांबू की राखियां बनी है। अब यहाँ आपके पास राखी है वो खुली हुई जिसकी पिक्चर देख सकते हैं। राखी तो मैंने सब डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मेरे कार के नीचे पड़ी हुई, कार की डिक्की में सब पड़ी हुई है। तो मैं क्या, ये कोरोना का चक्कर है ना, तो सब कुछ घर में लेके आता है, अभी बाहर ही बाहर देना है तो डिक्की में ही आता हूँ। तो मैं आपको उसके फोटोज जो हमने लिए हुए है, डिजिटल फोटोज है, वो मैं आपको सेंड करूंगा। हाँ ठीक है, उसको आप भेज दीजिएगा। ये 50,000 से ज्यादा राखी बनाई इस साल में, लेकिन रिस्पांस इतना अच्छा आया है कि अगले साल में हम 5-10 लाख राखी बनाने की सोच रहे हैं। अच्छा, मैंने कहीं सुना था कि आप लोगों ने दो कारण से ये राखी बनवाई, एक तो औरतों को काम देने के हिसाब से, दूसरी चीज जो मोदी जी का नारा है आत्मनिर्भरता का, जी, वो भी हुआ। हाँ जी। और तीसरा जो सबसे बड़ा एजेंडा है कि चाइना से जो राखियां आती थी उसको आपने ब्लॉक करने के लिए ये यहाँ पे प्रोडक्शन शुरू किया है। हाँ जी। मतलब वो मतलब सेकेंडरी एंड ये है, मेन तो ये है कि हमारी जो विक्रमगढ़ की महिलाएं हैं उनको हाथों को काम मिलना चाहिए और आत्मनिर्भर उनको बनाना है, ये तो हकीकत है। सभी गाँव में हम एक एक उद्योग चालू करके 75 गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का हमने तय किया हुआ है। अभी हमने मिशन 2020 तय किया हुआ है, सभी गांव के हर एक गांव में हमारी समिति बनाई गई है, ग्राम समिति, और वो ग्राम समिति ने हर एक गांव में अपनी मीटिंग लेके महीना भर चर्चा करके गांव का आराखड़ा, जिसे बोलते हैं मराठी में, मतलब गाँव का एक व्हाइट पेपर तैयार किया है। इसमें गांव की हिस्ट्री है, पुराने पानी के स्रोत क्या थे, पहले लोग कहाँ से पानी लेते थे, आज कहाँ से लेते हैं, यहाँ पे कौन सी वनस्पति ज्यादा होती थी, कौन सी उपज ज्यादा होती थी, यहाँ के लोग क्या काम करते थे, कैसे रहते थे, इनकी लोक संगीत क्या है, लोक कला क्या है, वो सब का हर एक गांव ने अपना तैयार करके आगे हमको गाँव में क्या समस्या है, हम क्या करने वाले है, हमको आगे प्रोग्रेस के लिए कैसे जाना है, ये सभी 75 गाँव ने अपना व्हाइट पेपर तैयार किया हुआ है। फिर हमने एक मीटिंग लेके उसमें हमने हर एक जो आगे के काम है उसको 3 काम में डिवाइड किया है कि जिस जो ऐसे काम है जिसमें उनको सरकार की मदद की जरूरत है और किसी संस्था की जरूरत है, और वो गांव के लोग संस्था और सरकार मिलके करने वाले काम हमने अलग किए, गांव के लोग और संस्था जिसमें सरकार की जरूरत नहीं है ऐसे काम को हमने अलग किए, और सिर्फ गाँव के लोग जो काम कर सकते जिसमें उनको संस्था की भी जरूरत नहीं है या सरकार की भी जरूरत नहीं है ऐसे काम को हमने अलग किया। ऐसे 3 कैटेगरी में काम करके गांव के लोगों को ये सारे काम साथ में शुरू करो, जो अपने आप कर सकते हो तो बिल्कुल पहले खत्म करो, जो संस्था के साथ मिलके करने हैं वो हम आपको सपोर्ट देते हैं, चलो लग जाते हैं काम पूरे करते, और जो सरकार के साथ में मिलके करना है उसमें भी हम उनकी सहायता करते हैं। एक कोरोना के काल में सभी संस्थाओं ने काम किया, उसमें केशव सृष्टि ने उस एरिया में इतना ज्यादा काम किया कि अभी सरकार की भी दृष्टि जो है केशव सृष्टि की ओर देखने की बहुत पॉजिटिव हो गई है और सरकार का फुल सपोर्ट हमको मिलता है। वहाँ पे जो तहसीलदार है, वहाँ के जो कलेक्टर है, वो सभी लोग हमको फुल सपोर्ट देते हैं, इसलिए वी आर वेरी पॉजिटिव कि आने वाले, अभी हिंदुस्तान के स्वातंत्र को 75 साल पूरे होने वाले है, 75 ईयर्स 22 में पूरे होंगे, 2022 में, तो 75 साल पूरे होने के टाइम पे 75 गांव में हम बहुत ही पॉजिटिव बदल लेके आएंगे, ऐसा हमने मिशन 2022 डिक्लेयर किया हुआ है। ये आखिरी सवाल कि आप लोग जो इतना बड़ा मिशन चला रहे हैं इसमें आपको पावर की भी जरूरत है और पैसे की भी जरूरत है, तो पावर तो समझ में आ गई बात, पर इतने सारे पैसे का समावेश कैसे करेंगे आप, कैसे सपोर्ट है इसका? जब आप काम करते हो और लोग काम को देखते हैं तो आपको पावर करने की जरूरत नहीं पड़ती, लोग सामने से आके आपको पावर देते हैं।
मैंने जैसे अभी बोला कि सरकारी लोग भी हमको बहुत सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उन्होंने देखा कोरोना के समय में वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था जहाँ पे सारे सरकारी अफसर और सारे एनजीओ के कार्यकर्ता सबका मिलके ग्रुप था। कहीं भी कोई भी समस्या होती थी व्हाट्सएप ग्रुप में डाला जाता था और तुरंत उस एरिया में जो एक्टिव है उसको बताया जाता था कि आप पहुंच जाइए और ये मदद कीजिए। तो ओवरलैपिंग नहीं होती थी, मतलब समझो ऐसा बताया कि ये गांव में 15 लोगों के पास राशन नहीं है, तो अगर ये मॉनिटरिंग नहीं होता है तो चार संस्था पहुंच जाती है और 15-15 पैकेट करके 60 पैकेट वहां पे दे देते थे। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप से मॉनिटरिंग करके ये तय किया कि ओवरलैपिंग नहीं होगी, जहाँ पे जिसको जरूरत है वहां पे उसको दिया जाएगा लेकिन ज्यादा नहीं दिया जाएगा या व्यर्थ ना जाए। और ये सब देखते हुए सरकार के लोग खुद आगे चल के हमको सपोर्ट देने को तैयार है कि आप काम करो, हम आपके साथ में है। रही पैसे की बात, तो ऐसा है कि कोई भी काम हमारा पैसे की वजह से अटका नहीं है। यहाँ पे अपने हिंदुस्तान में लोग दान धर्म में बहुत मानते हैं। कुछ भी हो, अपने बच्चे का बर्थडे हो, अपने पिताजी की बरसी हो, जो भी हो, घर में खुशी की कोई भी पल हो तो सोचते कि इस दिन को हमने दान करना चाहिए। तो बहुत दानेश्वर मुंबई में बहुत है और वो ढूंढते रहते हैं कि सही जगह पे हमको दान करना है। और काम करने वाली अगर कोई संस्था रहेगी तो उनको दान करने की उनकी बहुत अच्छी नीयत रहती है। और हमारे काम लोगों ने देखे हैं तो हमारे ऊपर इतना समाज का भरोसा है केशव सृष्टि के ऊपर कि धन के लिए कभी कोई काम अटकता नहीं है, पैसे के लिए कभी नहीं। लोग बहुत ऐसे हैं जो बोलते हैं कि कोई भी काम हो अगर पैसे के लिए अटकता होगा तो आप हमको बताइए, जितना चाहिए हम दे देंगे। मुकेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जो आप लोगों ने गांव के तरफ से जो शुरुआत की है ये वाकई काबिले तारीफ है। और शताक्षी न्यूज की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। थैंक यू सर। थैंक यू।